भगवान श्री कृष्ण के सखा थे जिनका नाम था श्रीदाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, जितेंद्रिय थे, शांत थे, विरक्त थे। घर में बड़ी विपन्नता थी, चार बच्चे थे, पत्नी थी, नाम था सुशीला। एक बार सुशीला ने पतिव्रता पतिम्प्राह मलायता बदनेन सा दरिद्रा सीद माना सा विप मानाभिगम्य च, एक बार सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात श्रियपति ही ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभा। आपने कई बार ये चर्चा किया प्रसंगात कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल में आप लोगों ने एक साथ विद्या अध्ययन किया था, वो ब्रह्मण्य हैं, शरण्य हैं और यदुवंशियों के श्रेष्ठ पुरुष हैं, पति हैं, मालिक हैं। आप उनके पास में जाएं, तमुपै ही महाभाग साधु नाम चौ परायणम दासति द्रवणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने, अपना कुटुंब छिज रहा है, नष्ट हो रहा है, आप उनके पास में जाएं तो आपको खूब धन दे देंगे, जो अपना कुटुंब नष्ट हो रहा है पालन पोषण होगा। सुदामा ने कहा कि देवी मैं जाऊं, मुझसे छोटा है, उपहार मांगेगा, और वैसे भी मित्र के पास जा कर के मांगना नहीं चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि आप मांगिए नहीं, लेकिन जाने में क्या बुराई है, जाने में तो कोई बुराई नहीं है। मेरी शादी हुई तब से तो मैंने देखा नहीं कि आप श्री कृष्ण से कभी मिले, जब मित्रता है न मांगिए, जाने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि मित्र समझ करके, दीनहीन समझ करके, आपके आकृति वेश को देख करके कुछ दे दें, और वो तो द्वारिक त्रिलोकी नाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कहे कि बात तो सही है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, ये सौभाग्य की बात है, मैं जाऊंगा, लेकिन देवी मुझसे छोटा है, कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। अब मैं क्या लेकर के जाऊं, भेंट ऐसी ना ही जो ले जाइए, भगवंत जू पे अंतक भई है नारी कौन लो समझाइए, कुछ भेंट हो तो। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडे नतान बद्वा भ्रत्रे प्रादादुपायनम। तो सुशीला अपने पड़ोसियों के यहाँ चार घरों में गई और चार पृथुक तंडुल यानी चिवड़ा चार घरों से लेकर के आई और एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र में बांध दिया और सुदामा जी उसको लेकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। और द्वारिका जब पहुंचे रुक्मिणी के महल के सामने, चकवे चौंक रहे चकिसे ता भूल से भूप अनेक गणाओ, देव गंधर्व और किन्नर यक्ष सुसांझलो देख खरे जई ठाऊं, ते दरबार बिलोके नहीं अब तो ही कहाँ कही के समझाऊं, रो किए लोकन को मुखिया तो हो दुखिया के में पैठन पाऊं। देख रहे हैं कि बड़े बड़े राजा लोग लाइन में लगे हुए हैं, देव गंधर्व यक्ष किन्नर सब लाइन में लगे हैं और सुबह से शाम हो गई, ये भीड़ टस से मस नहीं हो रही। तो द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों जाओ श्री कृष्ण के पास, सूचना करो कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने यद्यपि मना किए कि हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है, आप सूचना भेजिए, वो जब बुलाएं तब नंबर आए तो जाइएगा। सुदामा जी घबरा रहे थे कि कब नंबर आए न आए, तो धमकी दिया, मो मरने को नेम है, मरु तो हरि को द्वार, कब हूं तो हरि पूछी है, कौन मरियो दरबार, मैं ही प्राण त्याग करूंगा। वो घबराए बेचारे, कहे कि भाई यदि ये प्राण त्याग कर दिया और कहीं हमारी स्वामी सुनेंगे तो उनको कष्ट होगा,
चलो सूचना करते हैं, चलिए।